आज सुनेंगे हम मैक्सिम गोर्की की एक कहानी, कोलुशा। कब्रिस्तान का वो कोना जहां भिखारी दफनाए जाते हैं, पत्तों से छितरे, बारिश से बहे और आंधियों से जर्जर कब्रों के डूहों के बीच दो मरियल से बर्च वृक्षों की जालीदार साई में जिगम के फटे पुराने कपड़े पहने और सिर पर काली शाल डाले एक स्त्री एक कब्र के पास बैठी थी। सफेद पड़ चले बालों की एक लट उसके मुरझाए हुए गाल के ऊपर झूल रही थी। उसके महीन होठ कसकर भिचे और उनके छोर उसके मुंह पर उदास रेखाएं खींचते नीचे की ओर झुके थे और उसकी आंखों की पलकों में भी एक ऐसा झुकाव मौजूद था जो अधिक रोने और काटे ना कटने वाली लंबी रातों में जागने से पैदा हो जाता है। वो बिना हिले डुले बैठी थी। उस समय जबकि मैं कुछ दूर खड़ा उसे देख रहा था, ना ही उसने उस समय कुछ हरकत की जब मैं और अधिक निकट खिसक आया। उसने केवल अपनी बड़ी बड़ी चमक विहीन आंखों को उठाकर मेरी ओर देखा और फिर उन्हें नीचे गिरा लिया। उत्सुकता, परेशानी या अन्य कोई भाव जो कि मुझे निकट पहुंचता देख उसमें पैदा हो सकता था, नाम मात्र के लिए भी उसने प्रकट नहीं किया। मैंने अभिवादन में एकाध शब्द कहा और पूछा कि यहां कौन सोया है। मेरा बेटा, उसने भाव शून्य उदासीनता से जवाब दिया। बड़ा था, 12 बरस का, कब मरा? 4 साल पहले। उसने गहरी सांस ली और बाहर छिटक आई लट को फिर बालों के नीचे खोस लिया। दिन गर्म था, सूरज बेरहमी के साथ मुर्दों के इस नगर पर आग बरसा रहा था। कब्रों पर उगी इक्की दुक्की घास तपन और धूल से पीली पड़ गई थी और धूल धूसरित रूखे सूखे पेड़ जो सलीबों के बीच उदास भाव से खड़े थे, इस हद तक निश्चल थे मानो वे भी मुर्दा बन गए हों। ये कैसे मरा? लड़के की कब्र की ओर गर्दन हिलाते हुए मैंने पूछा। घोड़ों से कुचलकर, उसने संक्षेप में जवाब दिया और अपना झुर्रिया पड़ा हाथ फैलाकर लड़के की कब्र सहलाने लगी। ये दुर्घटना कैसे घटी? मैं जानता था कि इस तरह खोदबीन करना शालीनता के खिलाफ है, लेकिन इस स्त्री की निसंगता ने गहरे कौतुक और चिढ़ का भाव मेरे हृदय में जगा दिया था। कुछ ऐसी समझ में न आने वाली सनक ने मुझे घेरा कि मैं उसकी आंखों में आंसू देखने के लिए ललक उठा। उसकी उदासीनता में कुछ था जो अप्राकृतिक था और साथ ही उसमें बनावट का भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। मेरा सवाल सुनकर उसने एक बार फिर अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देखा और जब वो सिर से पांव तक मुझे अपनी नजरों से परख चुकी तो उसने एक हल्की सी सांस ली और अटूट उदासी में डूबी आवाज में अपनी कहानी सुनाने शुरू की। घटना इस प्रकार घटी। इसका पिता गबन के अपराध में 1.5 साल के लिए जेल में बंद हो गया। इस काल में हमने अपनी सारी जमा पूंजी खा डाली। ये हमारी वो जमा पूंजी कुछ अधिक थी भी नहीं। अपने आदमी के जेल से छूटने से पहले ईंधन की जगह मैं हार्स रेडिस के डंठल जलाती थी। जान पहचान के एक माली ने खराब हुए हार्स रेडिश का गाड़ी भर बोझ मेरे घर भिजवा दिया था। मैंने उसे सुखा लिया और सूखी गोबर लीद के साथ मिलाकर उसे जलाने लगी। उससे भयानक धुआं निकलता और खाने का जायका खराब हो जाता। कोलुशा स्कूल जाता था। वो बहुत ही तेज और किफायतशार लड़का था। जब वो स्कूल से घर लौटता तो हमेशा एकाध कुंदा या लकड़ियां जो रास्ते में पड़ी मिलती उठा लाता। वसंत के दिन थे तब, बर्फ पिघल रही थी और कोलुशा के पास कपड़ों के जूते के सिवा पावों में पहनने के लिए और कुछ भी नहीं था। जब वो उन्हें उतारता तो उसके पांव लाल रंग की भांति लाल निकलते। तभी उसके पिता को उन्होंने जेल से छोड़ा और गाड़ी में बैठाकर उसे घर लाए। जेल में उसे लकवा मार गया था।
वो वहां पड़ा मेरी ओर देखता रहा। उसके चेहरे पर एक कुटिल सी मुस्कान खेल रही थी। मैं भी उसकी ओर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, तुमने ही हमारा ये हाल किया है और तुम्हारा ये दोजक में मैं अब कहां से भरूंगी। एक ही काम मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूं, वो ये कि तुम्हें उठाकर किसी जोहड़ में पटक दूं। लेकिन कोलुशा ने जब उसे देखा तो चीख उठा। उसका चेहरा धुली हुई चादर की भांति सफेद पड़ गया और उसके गालों पर से आंसू ढुरकने लगे। ये इन्हें क्या हो गया है मां, उसने पूछा। ये अपने दिन पूरे कर चुका, मैंने कहा, और इसके बाद हालत बद से बदतर होती गई। काम करते करते मेरे हाथ टूट जाते, लेकिन मेरा पूरा सिर मारने पर भी 20 कोपेक से ज्यादा न मिलते। सो भी तब जब भाग्य से दिन अच्छे होते, मौत से भी बुरी हालत थी। अक्सर मन में आता कि अपने इस जीवन का अंत कर दूं। एक बार जब हालत एकदम असहाय हो उठी तो मैंने कहा, मैं तो तंग आ गई हूं इस मनहूस जीवन से। अच्छा हो अगर मैं मर जाऊं, या फिर तुम दोनों में से कोई एक खत्म हो जाए। ये कोलुशा और उसके पिता की तरफ इशारा था। उसका पिता केवल गर्दन हिलाकर रह गया, मानो कह रहा हो, झिड़कती क्यों हूं, जरा धीरज रखो, मेरे दिन वैसे भी करीब आ गए हैं। लेकिन कोलुशा ने देर तक मेरी ओर देखा। इसके बाद वो मुड़ा और घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही अपने शब्दों पर मुझे बड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होता था, तीर हाथ से निकल चुका था। एक घंटा भी न बीता होगा कि एक पुलिसमैन गाड़ी में बैठा हुआ आया। क्या तुम ही शिशनीना साहेब हो, उसने कहा। मेरा हृदय बैठने लगा। तुम्हें अस्पताल में बुलाया है, वो बोला। तुम्हारा लड़का सौदागर अनोखिन के घोड़ों से कुचल गया है। गाड़ी में बैठ मैं सीधे अस्पताल के लिए चल दी। ऐसा मालूम होता था जैसे गाड़ी की गद्दी पर किसी ने गर्म कोयले बिछा दिए हों और मैं रह रहकर अपने को कोस रही थी, अभागी औरत, तूने ये क्या किया। आखिर हम अस्पताल पहुंचे। कोलुशा पलंग पर पड़ा पट्टियों का बंडल मालूम होता था। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और उसके गालों पर आंसू ढुरक आए। फिर वो फुसफुसाकर बोला, मुझे माफ करना मां, पैसा पुलिसमैन के पास है। पैसा? कैसा पैसा, ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने पूछा। वही जो लोगों ने मुझे सड़क पर दिया था और अनोखिन ने भी, उसने कहा। किस लिए, मैंने पूछा। इसलिए, उसने कहा और एक हल्की सी कराह उसके मुंह से निकल गई। उसकी आंखें फटकर खूब बड़ी हो गई, कटोरा जितनी बड़ी। कोलुशा, मैंने कहा, ये कैसे हुआ, क्या तुम घोड़ों को आता हुआ देख नहीं सके। और तब वो बोला बहुत ही साफ और सीधे सीधे, मैंने उन्हें देखा था मां, लेकिन मैं जानबूझकर रास्ते से नहीं हटा। मैंने सोचा कि अगर मैं कुचला गया तो लोग मुझे पैसे देंगे, और उन्होंने दिया। ठीक यही शब्द उसने कहे, और तब मेरी आंखें खुली और मैं समझी कि उसने, मेरे फरिश्ते ने क्या कुछ कर डाला है। लेकिन मौका चूक गया था। अगली सुबह वो मर गया। उसका मस्तिष्क अंत तक साफ था और वो बराबर कहता रहा, दद्दा के लिए ये खरीदना वो खरीदना और अपने लिए भी कुछ ले लेना, मानो धन का अंबार लगा हो। वस्तुतः वे कुल 47 रूबल थे। मैं सौदागर अनोखिन के पास पहुंची, लेकिन उसने मुझे केवल 5 रूबल दिए। सो भी भुनभुनाते हुए कहने लगा, लड़का खुद जानबूझकर घोड़ों के नीचे आ गया, पूरा बाजार इसका साक्षी है, सो तुम क्यों रोज आकर मेरी जान खाती हो, मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं फिर कभी उसके पास नहीं गई। इस प्रकार वो घटना घटी, समझे युवक, उसने बोलना बंद कर दिया और पहले की भांति अब फिर सर्द तथा निसंग हो गई। कब्रिस्तान शांत और वीरान था। सलीब मरियल से पेड़, मिट्टी के ढू और कब्र के पास इस शोकपूर्ण मुद्रा में बैठी ये
मनोविकार शून्य स्त्री, इन सब चीजों ने मुझे मृत्यु और मानवीय दुख के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन आकाश में बादलों का एक धब्बा तक नहीं था और वो धरती पर झुलसा देने वाली आग बरसा रहा था। मैंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें उस स्त्री की ओर बढ़ा दिया जो दुर्भाग्य की मारी अभी भी जी रही थी। उसने सिर हिलाया और विचित्र धीमेपन के साथ बोली, कष्ट न करो युवक, आज के लिए मेरे पास काफी है, आगे के लिए भी मुझे अधिक नहीं चाहिए। मैं एकदम अकेली हूं इस दुनिया में, एकदम अकेली। उसने गहरी सांस ली और अपने पतले होठ एक बार फिर उसी शोक से बल खाई रेखा में खींच लिए। ये कहानी मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। ये कहानी सुखनवर पत्रिका में छपी थी और इस कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।